Hello students, welcome back to the class. So we were doing unit number 3 in our previous video. What we did, हमने सीखा था एक database create करना और database में एक table को create करना. तो let's have a recap कि आपको कैसे start करना है, database को कैसे create करना है. I open my Apache OpenOffice 4 और यहाँ पे मेरे पास option है database की. I'll click on this option और ये आपको लेके जाएगा डाटाबेस क्रिएशन विजार्ड पे. अब इस पे हमारे पास तीन ऑप्शन थे, वेदर टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस और कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डाटाबेस. सो व्हाट आई डिड, क्रिएट अ न्यू डाटाबेस. नेक्स्ट, डू यू वांट टू रजिस्टर, डू यू वांट अ विजार्ड टू रजिस्टर डाटाबेस इन ओपन ऑफिस? यस आई वांट इट टू गेट रजिस्टर. आफ्टर डाटाबेस फाइल हैव बीन सेव्ड, व्हाट डू यू वांट टू डू? ओपन डाटाबेस फॉर एडिटिंग, क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड. अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वी कैन क्रिएट टेबल इन द 3 मोड्स, एक डिजाइन मोड में, दूसरा एसक्यूएल कमांड से, तीसरा टेबल विजार्ड से. अब एसक्यूएल कमांड और डिजाइन मोड हमारे पास अवेलेबल होता है जब आप डाटाबेस को क्रिएट करते हैं. अगर आपको टेबल विजार्ड से क्रिएट करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन. अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और तब अपने डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो टेबल ऑटोमेटिकली विजार्ड के थ्रू क्रिएट होंगे. बाय डिफॉल्ट ये ओपन नहीं होता है अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं और ऐसे ही अपने डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो आपको या तो एसक्यूएल कमांड के थ्रू और यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग द डिजाइन मोड. राइट, तो पहले हम डिजाइन मोड से सीखते हैं और एसक्यूएल मोड से सीखते हैं. दिस इज गिवन इन आवर कोर्स ओनली. टेबल विजार्ड का आप हमारे कोर्स में डिस्कस नहीं किया गया है, तो मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है. क्लिक ऑन द फिनिश. वो आपसे पूछेगा कि डाटाबेस को कहाँ पे स्टोर करना है, किस नाम से बनाना है. तो आई विल गिव इट अ नेम. मैं बना रही हूँ टेबल डाटाबेस किसका, डीबी डाटाबेस किसका, स्टूडेंट का. और मैं इसको सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे, डीबी स्टूडेंट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे. जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, डाटाबेस विल बी ओपन्ड और उस डाटाबेस के अंदर टेबल में हमारे पास तीन चीजें आपको विजिबल होंगी. क्रिएट टेबल इन द डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू. यहाँ से आप डिजाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप विजार्ड के थ्रू क्रिएट करेंगे. अगर आप वहां से विजार्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली विजार्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं टेबल. अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर कि विजार्ड के थ्रू करना है या डिजाइन मोड के थ्रू करना है या फिर सीक्वल क्वेरी से करना है. सीक्वल क्वेरी से कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी. क्लियर, तो हम लोग करते हैं पहले डिजाइन व्यू से. क्लिक ऑन दिस डिजाइन व्यू. देखो, दिस इज द विंडो दैट गेट ओपन टू क्रिएट अ टेबल. अब टेबल मुझे बनाना है, डाटा बेस है मेरा डीबी स्टूडेंट, तो मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड टेबल क्रिएट करना है सपोज. तो मैंने टेबल में क्या लिया, आई टुक रोल नंबर. और यहाँ पे रोल नंबर कैसा होना चाहिए, रोल नंबर शुड बी एंटर्ड एज न्यूमेरिक, एक नंबर होगा. देन आई टेक नेम, नेम कैसा होना चाहिए टेक्स्ट में. फिर मैं लेती हूँ उसका एड्रेस, एड्रेस कैसा होना चाहिए. आई टुक द डाटा टाइप ऑफ टेक्स्ट वेयर कर इग्नोर केस. फिर मैंने लिया आधार कार्ड. जितने भी आपको फील्ड्स चूज करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड्स के नाम और उनके डाटा टाइप को चूज करो कि जिस अकॉर्डिंग आपको आपका डाटाबेस क्रिएट करना है. और आधार कार्ड को मैं लूंगी न्यूमेरिक क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी न्यूमेरिक. अब डाटाबेस क्रिएट करते हुए हमारे पास ऑप्शन होती है कि आपको अपने किसी फील्ड को यूनिकनेस प्रोवाइड करनी है. मीन्स अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर 1 का डाटा एक ही बार एंटर हो सके, बार बार एंटर ना हो. फॉर दैट आई, व्हाट आई डिड, मैं उस फील्ड पर जाती हूँ. सपोज रोल नंबर था, मैंने उसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके आई हैव गॉट द ऑप्शन ऑफ प्राइमरी की. अब इस पर क्लिक करेंगे, सी अ लिटल की यू कैन सी इन द रो. रोल नंबर से पहले आपको एक छोटी सी की दिख रही है, तो दैट मीन्स रोल नंबर हैज बिकम द प्राइमरी की नाउ. कि आप एक रोल नंबर के लिए एक ही डाटा रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएंगे अपने टेबल में. यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक. तो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया. और देखिए, वी आर हैविंग डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस ओवर हियर. इसमें जो भी आप लिखेंगे अपने अपने फील्ड के साथ, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो कि सेव हो जाएगी आपके फर्दर यूज के लिए, कि कभी अगर आप 6 महीने बाद, साल बाद टेबल को खोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल में नाम का क्या पर्पस है, नेम का, एड्रेस का क्या पर्पस है. और वी आर हैविंग फील्ड प्रॉपर्टीज ओवर हियर कि रोल नंबर के साथ अगर मुझे कुछ लेंथ स्पेसिफाई करनी है कि रोल नंबर 10 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 50 लेता है. डिफॉल्ट वैल्यू देनी है. सपोज मैंने एक और फील्ड बनाया यहाँ पे क्लास. अगर मैं यहाँ क्लास फील्ड लेती हूँ और आई एम क्रिएटिंग अ डाटा बेस फॉर द क्लास 10th A, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगी क्लास के साथ. डिफॉल्ट वैल्यू आई विल सेट एज 10th A. तो ये हर एक रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली 10th A को उठाता रहेगा. सपोज मैंने यहाँ पे दिया 10th A, तो मैं जितने भी रिकॉर्ड्स, आई विल शो यू, जितने भी रिकॉर्ड्स में डालूंगी ऑटोमेटिकली क्लास के लिए 10th A अपने आप डालता रहेगा, ठीक है. तो ये मैंने टेबल बनाया
सेव किया, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, टेबल का नाम मैंने दिया स्टूड. ओके क्लियर. तो ये मेरे पास मेरा टेबल क्रिएट हो गया, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगी. नाउ यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे स्टूड नाम से टेबल आ चुका है जिसको मैंने क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल इन द डिजाइन व्यू से. अगर आपको अब इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है तो यू विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. आपका टेबल रेडी है एडिटिंग के लिए. सी जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था, जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड डालने के लिए रो आई है, यहाँ पे क्लास ऑटोमेटिकली 10th ही आ गई है क्योंकि मैंने यहाँ डिफॉल्ट सेट किया है. तो इट्स अप टू यू कि आपको किसी फील्ड के साथ डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है या नहीं डालनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. तो मैं चाहती थी कि 10th ही लिखा आए, तो मैंने यहाँ 10th डाल दिया. अब हर एक कॉलम में क्लास विल बी 10 ए. लेट्स स्टार्ट इंसर्टिंग द रिकॉर्ड. रोल नंबर 1 के लिए आई टुक द नेम हैश 320 ए बी सी, कुछ भी डाल दो. ठीक है, आधार कार्ड नंबर, राइट. नेक्स्ट रिकॉर्ड रोल नंबर 2 के लिए एड्रेस, आधार कार्ड नंबर. देखो मैंने आधार कार्ड के साथ फील्ड लिया था न्यूमेरिक. अगर न्यूमेरिक आप डालोगे तो वो एंटर करता है. अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ टेक्स्ट डाल देती हूँ तो वो वैल्यू 0 लेगा. ऑटोमेटिकली उसने 0 कर दिया क्योंकि मैंने आधार कार्ड के साथ सेट किया था डाटा टाइप न्यूमेरिक. ओनली नंबर्स कैन बी एंटर्ड इन डाटाबेस आधार कार्ड के लिए. अगर आप न्यूमेरिक डालते हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा सेव करने के लिए, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को एंटर करना अलाउ करेगा. सिमिलरली अगर टेक्स्ट था, टेक्स्ट में मेरे पास नंबर और अल्फाबेट दोनों आ सकते हैं. रोल नंबर को मैंने न्यूमेरिक लिया था. अगर आप रोल नंबर में कुछ ऐसा डालते हैं तो रोल नंबर के लिए भी वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आपने डाटाबेस को वहाँ पे फिक्स किया हुआ है उस डाटा टाइप के साथ, उस कॉलम को एसोसिएट किया हुआ है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट अलाउइंग यू टू एंटर द रॉन्ग डाटा फॉर द रॉन्ग डाटा टाइप, राइट. तो ये मैंने अपने रिकॉर्ड डाले और 3 रोल नंबर के लिए मैंने रिकॉर्ड डाल करके उसको सेव कर दिया. देन आई क्लोज माई डाटाबेस. तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दीज रिकॉर्ड जो आपने इस टेबल के अंदर इंसर्ट किए थे. चलो अब ये हमारे पास हो गया क्रिएटिंग टेबल इन द डिजाइन व्यू जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसको मैंने रीकैप किया. लेट्स स्टार्ट द सेशन नंबर 3. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक SQL कमांड्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स. उन कमांड्स को हम 2 टाइप्स के में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकेंड इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, जो अलाउ करती है यूजर्स को डाटाबेस को मैनिपुलेट करना, मीन्स चेंज करना या असेस करना, राइट. उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो भी आप DML कमांड्स के थ्रू करेंगे. अगर आपको मैनिपुलेशंस करनी है तो भी आप उसी के थ्रू करेंगे. असेस करना है तो भी इसी के थ्रू करेंगे. अब DML में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं. फर्स्ट होती है सेलेक्ट कमांड. सेलेक्ट कमांड मीन्स अगर आपके टेबल में जो भी डाटा पड़े हैं उसको आपको व्यू करना है तो यू विल राइट सेलेक्ट कमांड. अगर आपको नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं. अगर मुझे डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को तो आई विल चूज यूज डिलीट कमांड. अगर मुझे अपने डाटाबेस में अपडेशन करनी है, मीन रोल नंबर 1 के लिए जो मैंने एड्रेस दिया था, मुझे स्टेटस को चेंज करना है, तो आई वॉन्ट टू अपडेट दैट टेबल, दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो मैं अपडेट कमांड यूज करूंगी. ये चारों स्टेटमेंट सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, दीज 4 आर द कमांड्स अंडर DML कैटेगरी. क्लियर. इसके बाद हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने पॉपुलर DML, पॉपुलर SQL कौन कौन सी हैं जो आजकल चल रही हैं. तो वी आर यूजिंग IMSDLI, CodeACL, ये सब कमांड्स SQL जो हम यूज कर रहे हैं अपने डाटाबेस से. देन वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ DML. DML भी आगे 2 तरीके से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल. प्रोसीजरल क्या होता है कि द यूजर स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट. और नॉन प्रोसीजरल में यूजर स्पेसिफाई करते हैं कि डाटा रिक्वायर्ड कौन सा है, किस तरीके से वो डाटा आने वाला है, क्या प्रॉपर कोड होने वाला है, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड डिफाइंड बाय द यूजर. तो अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट्स पे जो हमें 4 DML स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट. तो इन स्टेटमेंट्स को हमें लिखना कैसे है और क्या इनके सिंटेक्स हैं, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि उसी फॉर्मेट में आप इन सिंटेक्स को लिखेंगे तभी यू विल बी एबल टू रन द SQL कमांड्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रन देम. आपका सिस्टम जो है आपको एरर शो करेगा. तो हम हमारी जो इंसर्ट कमांड है उसका सिंटेक्स क्या होता है, यू आर सपोज टू राइट इंसर्ट, ये वर्ड्स हैं ये ऐसे ही आपको लिखने हैं, इंसर्ट इनटू, देन यू राइट टेबल नेम. सपोज मेरा टेबल जो था स्टूडेंट था, उसमें मुझे एक रिकॉर्ड एंटर करना है. अभी मैं आपको बताती हूँ कि SQL लिखनी कैसे. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज, फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3. देखो ये एग्जाम्पल ये है. इंसर्ट इनटू एस डिटेल, इनके टेबल का नाम है एस डिटेल्स.
उस टेबल्स के अंदर ये फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, रोल नंबर, टीओबी, क्लास, फोन, ईमेल, कलर, ये सब उसके टेबल के फील्ड्स हैं। आप ये लिखेंगे, मेंशन करेंगे हर एक फील्ड का नाम, देन ब्रैकेट क्लोज, यू विल स्पेसिफाई वैल्यूज, फिर आप सिंगल कोट में वैल्यू देंगे जो कि पर्टिकुलर कॉलम में जाएगी, 8 विल गो इन आईडी, रंजीत विल गो इन नेम, 67 विल गो इन रोल नंबर, दिस विल गो इन डीओबी। तो हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें कैसे करना है। कि मेरा टेबल है, मैंने इसको ओपन किया, मेरा टेबल देखो, टेबल का नाम था मेरे STUD कैपिटल में था, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, क्लास, ये मेरे फील्ड्स थे। तो मुझे ये सब चीजें यूज करनी है। अब सी, जो मेरा ये डाटाबेस वाला विजार्ड था, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्म, तो यू विल क्लिक ऑन दिस, हियर यू विल गेट न्यू क्वेरी SQL व्यू, क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास एक नई विंडो खुलेगी, हमने करनी है इंसर्ट। आई विल राइट इंसर्ट इन टू, टेबल का नाम था मेरा स्टूड, क्या डालना है स्टूड में, मेरे पास था पहला रोल नंबर ROLL_NUM इनवर्टेड कॉमा क्लोज, सेकेंड था मेरे पास, क्या था मेरे पास सेकेंड, ये देखते हैं यहाँ से हम, फर्स्ट वॉज रोल नंबर, फिर मेरे पास सेकेंड चीज थी नेम, फिर एड्रेस, फिर आधार कार्ड, नेम, एड्रेस एंड आधार कार्ड, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, और उसके बाद मेरे पास था क्लास, राइट। ये मेरे पांच फील्ड्स थे, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम्स, और केस सेंसिटिव होता है, तो जैसे जैसे अगर आपने अंडरस्कोर या कैपिटल केसेस लिए हैं वैसे ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन फिर क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं वैल्यूज, कि मुझे कौन सी वैल्यूज देनी है, और वैल्यूज हम स्पेसिफाई करते हैं सिंगल कोर्स में, तो तीन तक का रिकॉर्ड में वहां डाल चुकी थी। आई वॉन्ट की रोल नंबर 4 के लिए और रिकॉर्ड जाए विद द नेम आदित्य, और उसका एड्रेस जाना चाहिए हैश कुछ भी, ओके एड्रेस हो गया। उसके बाद आई वॉन्ट की आधार नंबर चाहिए उसका, दिस एंड क्लास वो 10, A, right? अब देखिए, every SQL command must run with a semicolon. अगर आप अपने DML command के बाद semicolon नहीं लगाते हैं, तो ये आपको कहेगा कि आपने error दे दिया है, syntax में error है, और system will not execute this statement, और आपका record enter नहीं हो पाएगा। ये statement लिखने के बाद मेरे को उसको execute करना है, execute करने के लिए ये मेरे पास ऑप्शन है रन क्वेरी, देखिए इसी विजार्ड में आपके पास, दिस इज द ऑप्शन ऑफ रन क्वेरी, और यू कैन यूज द PF5 टू एग्जीक्यूट दिस। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी सिस्टम जो है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और टेबल के अंदर एक नए रिकॉर्ड को एंटर कर देगा, राइट। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सी, जैसे ही हमने इसको वहां से रन किया, तो एक नया रिकॉर्ड रोल नंबर 4 के लिए हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट होता है हमारे टेबल में। तो ये था आपको SQL कमांड इंसर्ट को कैसे यूज करना है, राइट। तब हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आफ्टर इंसर्टिंग डाटा इन टू टेबल, हमारी क्वेरी जो है उसको, हमारा जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कमांड है डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, डिलीट फ्रॉम स्टूड वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। सपोज आई वांट टू रन दिस, तो मैं चलती हूँ अपने अपने क्वेरी SQL व्यू पे, और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम where I want roll number to name, I want name equals to right। ये मैंने कमांड लिखी, और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको सेमी कॉलन से एंड भी कर दिया है, और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने F5 पे क्लिक करेंगे, कमांड विल बी रन, और वहां से टेबल में से ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए, जैसे ही हमने उस कमांड को एग्जीक्यूट किया, रोल नंबर 1 का जो डाटा जहाँ पे नेम सोनम था वो चीज डिलीट होगी। अब ये कंडीशन जो हम लगा रहे हैं, ये आप किसी भी कॉलम के ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने नेम पे किया, आप रोल नंबर पे कीजिए, एड्रेस पे कीजिए, जिस पे फील्ड पे आपको कंडीशन लगानी है। अब यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और आपका जो कमांड है उसके अकॉर्डिंग आपके टेबल के ऊपर अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन,
और सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ सेलेक्ट करके व्यू करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सेमीकॉलन, जैसे अब इसको रन करेंगे ठीक, वही वो पूरा का पूरा टेबल जिसमें वो रिकॉर्ड्स थे वो सारा का सारा सेलेक्ट होके आ गया। अगर मैं लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब ये क्लॉज होते हैं कंडीशंस देने के लिए, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3। आई वॉन्ट, अब देखो जो डाटाबेसेस हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, मेरे पास एक क्लास है तो मेरे पास सपोज 10th के लिए 250 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबका एक ही डाटाबेस मैंने क्रिएट किया है। अब मुझे कंडीशन लगानी है कि मुझे जहाँ पे बच्चे का नाम स्पेसिफिक नेम के लिए मुझे रिकॉर्ड को व्यू करना है, तो मैं एक कंडीशन खुद से बना सकती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3 या वेयर नेम इक्वल्स टू 5, और उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी। जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही आपके पास सिर्फ उस वही रिकॉर्ड पूरे डाटाबेस 250 बच्चों के रिकॉर्ड में से सिर्फ वही फैच होकर आ जाएगा। बस देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरे पास पार्ट का रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि मैंने रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड मांगा है, तो रोल नंबर 3 के लिए पार्ट का रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे विजिबल है। इस चीज का आपके टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है। इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, ये कमांड्स वो होती हैं जो आपके टेबल के ऊपर चेंजेस करती हैं। सिलेक्शन कमांड जो है वो आपके टेबल के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं करती है, वहां से आप डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग क्या होता है सबको पता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपने टेबल के कंटेंट को अरेंज करना है। तो सपोज ये मेरे पास कंटेंट था एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे जॉन रिया एंड मयन थे, ये सब मेरे पास अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, आई वॉन्ट देम टू बी अरेंज अल्फाबेटिकली। तो मेरे पास इसके लिए भी क्वेरी होती है, सॉर्टेड जो आपके कॉलम है आपको उसको सॉर्ट करना है, तो ये सॉर्टिंग भी हम लोग अपने डाटाबेस में थ्रू द कमांड्स कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है हमारे पास, तो RDBMS में हमारे पास इंटीग्रिटी 4 टाइप्स की होती है, आपकी इस कंटेंट में मेंशन नहीं है। 4 टाइप्स की इंटीग्रिटी होती है हमारे पास, एक होती है एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या कहती है, इंटीग्रिटी होती है कि कॉलम्स में जो डाटा आने वाला है वो एक्यूरेट होगा और वो रिडंडेंट नहीं होगा, वो यूनिक डाटा जाएगा, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट्स कि जितने भी रोज हैं, एंटिटी मींस अ रो, एंटिटी स्पेसिफाइज अ रो, कि जितने भी आपके पास रोज हैं उन रोज के अंदर जो डाटा है दैट डाटा इज नॉट रिडंडेंट, वो मेरे पास एक एक्यूरेट एक यूनिक डाटा है, सेम एंटिटी के लिए रिपीटेड डाटा मेरे पास नहीं है, दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। सेकेंड आती है डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी मीन्स कि हर एक कॉलम की बात करते हैं तो डोमेन की बात आ जाती है, हर एक कॉलम में जो भी आपने डाटा टाइप स्पेसिफाई किया है तो उसी डाटा टाइप के कोरिस्पॉन्डिंग डाटा उस कॉलम के अंदर जा रहा है और जाएगा, उसके अलावा कोई भी डाटा टाइप का डाटा उस कॉलम में एंटर नहीं कर सकता, दैट इज डोमेन इंटीग्रिटी। इसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी क्या है कि अपार्ट फ्रॉम एंटिटी डोमेन एंड रेफरेंशियल, अगर कुछ और आपको कंस्ट्रेंट लगाना है अपने टेबल पे तो यू कैन स्पेसिफाई दैट यूजिंग यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज, अब देखो RDBMS हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू क्रिएट रिलेशनशिप्स अमंग द टेबल्स, जब मुझे दो से ज्यादा एक से ज्यादा टेबल में आपस में लिंक करना है तो हम RDBMS का यूज करते हैं। RDBMS आ गया तो वहां पे रेफरेंस आएगा जब आप टेबल्स को लिंक। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है कि जब आपने एक पेरेंट टेबल और एक चाइल्ड टेबल को आपस में लिंक किया, ध्यान से सुनो, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, पेरेंट टेबल में होगी प्राइमरी की, चाइल्ड टेबल में आती है फॉरेन की, पेरेंट की पेरेंट टेबल की प्राइमरी की चाइल्ड टेबल की फॉरेन की से रिलेट होती है, तो हमारे पास एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि दोनों टेबल जो आपने लिंक किए हैं उन टेबल्स के अंदर जो डाटा जाने वाला है दैट मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। अब एक टेबल के अंदर प्राइमरी की मैंने लगाई रोल नंबर पे, सपोज मैंने दो टेबल बनाए, एक मेरा स्टूडेंट टेबल था, एक मैंने और टेबल बनाया जहां पर मैं चाहती हूँ कि उसी बच्चे के कोरेस्पॉन्डिंग उसके पेरेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाए। मैं आपको बना करके दिखाती हूँ एक और टेबल। टेबल क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे मैं रखूंगी रोल नंबर क्योंकि मुझे उसी बच्चे का डाटा यहाँ पे चाहिए, तो मुझे रोल किसी ना किसी फील्ड के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, वहां पे रोल नंबर था तो मैंने यहाँ पे भी एक रोल नंबर फील्ड मुझे लेना पड़ेगा, फादर नेम मदर नेम, ठीक है। ये मैंने टेबल क्रिएट किया, इसको मैंने नाम दे दिया
पेरेंट्स, मुझे पहले इसको प्राइमरी की लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि इस टेबल के लिए प्राइमरी है. दूसरे टेबल के साथ जब मुझे इसको लिंक करना है तो दिस विल बी द फॉरेन की ऑटोमेटिकली. पेरेंट डिटेल मेरे टेबल का नाम है. ओके, अब मेरे पास यहाँ पे दो टेबल आ चुके हैं. अब क्योंकि मैं स्टूडेंट टेबल को पेरेंट डिटेल से लिंक करना चाहती हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास एक फील्ड होगा रोल नंबर, और दूसरे जो पेरेंट टेबल है उसमें भी मेरे पास सेम फील्ड होगा रोल नंबर, जो कि रोल नंबर होगा बच्चे का. पर दोनों टेबल्स को लिंक करने के लिए मुझे ये रोल नंबर की यहाँ पे लेनी पड़ेगी. और रेफरेंशियल एंटीक्विटी कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं कि दोनों के अंदर सेम डाटा जाना चाहिए. रोल नंबर वन के लिए फर्स्ट टेबल के अंदर एंट्री है, तभी आप रोल नंबर सेकेंड टेबल में उस रोल नंबर के लिए एंट्री डाल सकते हो. रिलेशन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड एडिंग रिकॉर्ड टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल. अगर आपके पहले टेबल के अंदर रोल नंबर वन के लिए रिकॉर्ड नहीं है तो आप सेकेंड टेबल में रोल नंबर वन के लिए रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते. चेंजिंग वैल्यू इन द प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल. अगर आपके पास सेकेंड टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो आप फर्स्ट में उसके रोल नंबर को चेंज नहीं कर सकते. सपोज रोल नंबर टू के लिए रेफरेंस टेबल में भी रिकॉर्ड है, प्राइमरी टेबल में भी रिकॉर्ड है, पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है, और आप चाइल्ड टेबल में तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उसके पेरेंट टेबल में चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि आप चाइल्ड टेबल में चेंज नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड में रिकॉर्ड है बट पेरेंट में नहीं है. नो, चाइल्ड में रिकॉर्ड तभी जा सकता है जब पेरेंट में रिकॉर्ड होगा. तो एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन द रोल नंबर ऑफ द पेरेंट टेबल इज नॉट अलाउड. डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी की टेबल इफ देयर इज एनी मैचिंग रिकॉर्ड. और आपके पास ये भी अथॉरिटी नहीं होगी कि आप उसको रिकॉर्ड को डिलीट कर सके. अगर चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड है तो प्राइमरी टेबल के अंदर रिकॉर्ड रहना मस्ट है. दीज आर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है और कैसे कैसे टेबल के ऊपर लगती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स. अब ये चीज क्या है कि जब भी आपको अपने दो टेबल्स को रिलेट करना है तो आप कैसे करेंगे. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये काम कैसे करना है. Let's see. A relationship refer to association or connection between two or more tables. Relationship क्या होते हैं जब आप दो या दो से ज्यादा tables को relate करते हैं तो we create a relationship between them. Relationship create कैसे करते हैं. अब जब भी आपने अपना नया table बनाया, table बनाने के बाद हम लोग tool bar पे जाते हैं. ये मेरे पास table था, I select the table, I go to tool bar. तो यहाँ पे आपके पास function आता है relationship का. You click over here. तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से टेबल को रिलेट करना है. तो मैंने यहाँ स्टूडेंट टेबल को ऐड किया और I added the parent table. मेरे पास दो टेबल आ चुके हैं, मुझे इनको रिलेट करना है. कैसे करना है रिलेट, हम करते हैं इंसर्ट न्यू रिलेशन. इसके रोल नंबर के साथ टेबल्स इन्वॉल्व कौन से स्टूडेंट एंड पेरेंट. यहाँ पे मैं अपडेट और डिलीट कैस्केड लगा रही हूँ. मीन्स ना तो ये अपडेट हो पाएंगे, अगर एक टेबल में वैल्यूज हैं तो आप दूसरे को अपडेट नहीं कर सकते, और ना ही आप डिलीट कर सकते हैं पेरेंट टेबल में से अगर चाइल्ड टेबल के अंदर रिकॉर्ड है. कैसे करेंगे, फील्ड लो स्टूडेंट का रोल नंबर और पेरेंट का भी रोल नंबर आपस में लिंक होगा. तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से हम लोग फॉरेन की बनाने के बाद अपने टेबल्स को लिंक अप कर सकते हैं. दिस इज द वे टूल्स पे गए, रिलेशनशिप पे जाएंगे. अब वो कहते हैं कि मेरे पास थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू वन, मैनी टू मैनी. तो ये रिलेशनशिप क्या होती है कि अगर आपको देखिए ये वही विंडोज है जो मैंने आपको भी दिखाई है किस तरीके से आप रिलेशनशिप बनाएंगे. वन टू वन रिलेशनशिप क्या है कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना है कि एक एम्प्लॉय एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते. इनमें दो टेबल ही एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का. एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी नेम डेजिग्नेशन एंड एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम एंड लोकेशन. अब यहाँ पे मेरा एक एम्प्लॉय ही एक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है. सेम एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क इन द सेकंड डिपार्टमेंट. दिस इज द वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी. सेकंड मेरे पास आता है वन टू मैनी या मैनी टू वन रिलेशनशिप. मैनी टू वन, वन टू मैनी क्या होती है कि मेरे पास एक एम्प्लॉय जो है वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से काम कर सकता है. मीन्स वन टीचर कैन बी अ क्लास टीचर, वन कैन सेम टीचर कैन बी द कंप्यूटर टीचर एंड सेम टीचर कैन टेक द सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे एक ही बंदा जो है वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से लिंक हो सकता है. तो आप वन टू एन रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे. और मेरे पास आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का यूज कहाँ होता है,
Let's see, many-to-many relationship. In this relationship, no table has primary key column. It signifies that all the column of primary key table are associated with all the column of associated table. जहाँ पे सारे के सारे column एक दूसरे से associated होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग many-to-many relationship use करते हैं. अब next topic है आपको delete कैसे करने, जो आपने relationship create किया है, उसको select करके we'll click on the delete, तो इस तरीके से आपने relationship को delete कर सकते हैं. So this was all about the session number 3 of your unit number 3. इसके बाद we are given with the activities and assessment with a short question, which you can find in your assignment. I hope you will find this video helpful in understanding session number 3. Soon we will upload the next video with the session number 4. Till then, stay happy, stay safe. Goodbye.